वेलकम बैक टू वायरल बंदा। तो यार जब भी ऑक्सीजनर्स की कोई नई अपडेट आती है तो मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजनर्स का यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो अबव द नॉच होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों की भी पता होगा कि जो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ मोबाइल फ़ोन है उनमें जो सबसे ऊपर लिस्ट है गाइज, उसमें ऑक्सीजनर्स का नाम पहले आता है। क्योंकि गाइज ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है, और गाइज इसमें ना ही आपको कोई एड्स वगैरह देखने के लिए मिलता है। ऊपर से गाइज इसमें जो फीचर्स है वो भी है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि ये फीचरलेस या फिर नॉन कस्टमाइजेबल रोम हो, पर गाइज आपको इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले गाइज हम चलते हैं अबाउट फोन में और देख लेते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि इस वाले जो अबाउट फोन का पेज है, इसको हमारे मोबाइल के लिए यानी हमारी डिवाइस के लिए मॉडिफाई किया गया है। और यहाँ पर जो मेंटेनर गाइज उनका नाम है सीड, और डिवाइस का नाम Realme 3 Pro है। एंड्रॉइड वर्जन आपको 10 देखने के लिए मिलने वाला है। और गाइस सिक्योरिटी पैच की बात करें तो नवंबर 1 2020 का देखने के लिए मिलने वाला है। कर्नल की बात कर ले तो 4.9.186 पर प्लस कर्नल आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी होम स्क्रीन की। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है नेवर सेटल का विजेट, और काफी सारे आपको वन प्लस के वॉलपेपर देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसमें जो ओपन बीटा वाला कलेक्शन है वन प्लस 7 का, उसके वॉलपेपर तो आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, पर वन प्लस 6 के सारे वॉलपेपर यहाँ पर अवेलेबल है गाइस। और आपको बता दूं गाइस कि इसका जो लॉन्चर है वो मैंने अपडेट कर रखा है। आपको प्ले स्टोर से इसकी जो स्टॉक एप्लीकेशन होती है वो अपडेट करने का ऑप्शन दिखने के लिए मिल जाता है। तो आप सारी जो स्टॉक एप्लीकेशन है वो अपडेट कर सकते हो प्ले स्टोर के थ्रू। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी गैलरी और इसका जो लॉन्चर वगैरह वो अपडेट कर लिया है। वन प्लस लॉन्चर में जो आप शेल्फ वगैरह वो इनेबल कर सकते हो लेफ्ट मोस्ट स्क्रीन पर। और आइकन पैक की बात कर लेगा इस तो आपको दो आइकन पैक देखने के लिए मिल जाते हैं, एक ऑक्सीजन ओएस का और एक हाइड्रोजन ओएस का। ड्रॉर की बात कर लेगा इस तो यहाँ पर आपको ऑल ऐप्स या फिर क्विक सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और किस यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉर में एक नया सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू लिखा हुआ है, तो सर्च ऐप्स फाइल्स म्यूजिक एंड मोर, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो ठीक है, अच्छी चीज़ें अपडेट हो गया है और लॉन्चर वगैरह। और बाकी गाइस यहाँ पर आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाता है वन प्लस का। तो वन प्लस का कैमरा यहाँ पर अच्छे से वर्किंग है, हालांकि आप इसमें पोर्ट्रेट वगैरह क्लिक नहीं कर सकते या फिर स्लो मोशन वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पर मैंने गूगल कैमरा भी इंस्टॉल कर लिया है गाइस 7.3, और गाइस ये वाला कैमरा भी यानी कि जी कैम भी इसमें आपको वर्किंग मिल जाता है। फोटोज़ वगैरह क्लिक हो जाते हैं, पोर्ट्रेट वगैरह ढंग से क्लिक होते हैं, नाइट साइड वगैरह आपको वर्किंग मिल जाता है, और वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मजेस्क की बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पर, तो मैंने मजेस्क 21.1 जो लेटेस्ट मजेस्क है वो इंस्टॉल कर रखा है, शायद बीटा है, पर ये अच्छे से काम कर रहा है गाइस। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो हमें ट्रू देखने के लिए मिल जाता है अगर आप मजेस्क हाइड फीचर का यूज़ कर लेते हो। तो मजेस्क हाइड आप कर लोगे तो आपकी जो CTS प्रोफाइल वगैरह वो ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर मजेस्क ने रिस्पॉन्स लेना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों, शायद डेटा वगैरह काम नहीं कर रहा मेरा। पर यहाँ पर आपको CTS प्रोफाइल जो है ट्रू मिलने वाली है, तो आप इस पर जो है बैंकिंग ऐप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। और ऑलरेडी मैं यहाँ पर बैंकिंग ऐप्स का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें आपको जो है बैंकिंग ऐप्स वर्किंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, CTS प्रोफाइल आपको ट्रू मिलेगी अगर आप मजेस्क 21.1 फ्लैश करके उसको मजेस्क हाइड को इनेबल कर लो। गाइस यहाँ पर हम ऑफिशियल पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिंक वगैरह वो यहाँ पर दे रखे हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे लिंक्स वगैरह। तो इसको फ्लैश करने का बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है गाइस, आपको सबसे पहले इसका वेंडर फ्लैश करना है, वेंडर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिस्टम से फ्लैश कर लेनी है और फिर फॉर्मेट करके रिबूट कर लेना है, इजी इंस्टॉलेशन है गाइस। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिक्स वगैरह क्या क्या लिखा है, कि जो पिछले वाले बिल्ड में रिंगटोन्स वगैरह हम सेट नहीं कर पा रहे थे वो फिक्स कर दिया गया है, एम्बिएंट डिस्प्ले को फिक्स कर दिया गया है। और बाकी गाइस जो वन प्लस साइड चेंज लॉग है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें सबसे खास मुझे लगा गाइस गेम स्पेस वाला अपडेट। और बाकी यहाँ पर थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह जो जेस्चर है वो आप बंद कर लेना अगर आपको गेम वगैरह खेलना है तो। और हाँ गाइस, अगर आपकी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ रही है, जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मेरे पास इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी, तो आपको क्या करना है कि मजेस्क हाइड में कर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेना है, और या फिर जो भी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है एप्लीकेशन है उनके लिए आपको मजेस्क हाइड इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपकी नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगी गाइस। और गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी OTG डिवाइस कनेक्ट करते हो तो आप एक बार फोन को रिस्टार्ट कर लेना, वरना हो सकता है कि आपकी स्टोरेज के साथ कोई दिक्कत हो। मतलब ये एक छोटा सा इशू है जो हम पिछले बिल्ड में बहुत बार देख चुके हैं, आपको सिंपली डिवाइस को रिस्टार्ट कर लेना है OTG कनेक्ट करने के बाद। और गाइस अगर पबजी वगैरह क्रैश होता है तो आपको क्या करना है, उसको भी आपको मजेस्क हाइड से हाइड कर लेना है। और हाँ गाइस एक और इशू जो यहाँ पर नहीं लिखा है वो ये है कि जब आप गेम वगैरह खेलते हो पबजी वगैरह, तो उसमें आपको टेयरिंग वाली प्रॉब्लम आएगी, जो साउंड टेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, क्रैकलिंग साउंड जो आता है, तो आपको उसे फिक्स करना पड़ेगा गाइस। उसका फिक्स जो है आपको इसके जो GSI ग्रुप है Realme 3 Pro का, उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर सर्च कर लेना और आपको फिक्स भी आसानी से मिल जाएगा। और गाइस अगर हम चेंज लॉक के थ्रू चले तो यहाँ पर आपको एक नई म्यूजिक एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि कुछ खास तो नज़र नहीं आती है, पर ठीक ठाक म्यूजिक वगैरह इसमें प्ले हो जाता है अगर आपके पास इंटरनल स्टोरेज में फिर स्टोरेज में कोई भी म्यूजिक
खड़ा हो तो वो प्ले हो जाता है। दूसरी चीज गाइस, गेम स्पेस में यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आया है। अब आप गेम स्पेस को लॉन्च कर सकते हो गाइस, आपके लेफ्ट और राइट वाली जो स्क्रीन एजेस है वहाँ से ट्रिगर कर सकते हो, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर मैं यहाँ सेटिंग्स के अंदर चलते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाता है गाइस यहाँ पर मिस टच प्रिवेंशन और डिसेबल ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, फैनेटिक मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है, थर्ड पार्टी कॉल्स वगैरह के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नॉच की बात कर लेते हो गाइस, आपको नया वाला नॉच देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नॉच जो है थोड़ा सा राउंडेड है, बाकी फ्लैट है ऊपर से। तो यस, नाइट मोड आपको वर्किंग मिल जाता है और आप इसका टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हो। रीडिंग मोड की बात कर ले गाइस, तो यहाँ पर आपको रीडिंग मोड भी वर्किंग मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो मोनो इफेक्ट वो अप्लाई हो चुका है, टोटली ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर हो चुका है सब कुछ, तो आपको रीडिंग मोड वर्किंग मिल जाता है। तो देखते हैं कि ये लिफ्टअप वाला जो सेंसर वो वर्किंग है या नहीं है। तो नहीं, अभी तो यहाँ पर मुझे कुछ वर्किंग नहीं लग रहा है। तो गाइस शायद लिफ्टअप इस पे अभी भी ब्रोकन है, पर जो न्यू नोटिफिकेशन वे के गाइस वो आपको वर्किंग मिल जाता है। हो सकता है कि मेरे में काम नहीं कर रहा और आपके में कर जाए, तो आप अपनी तरफ से चेक कर लेना। और अब हम बात करते हैं स्टेटस बार की। तो स्टेटस बार में जो बैटरी स्टाइल है यहाँ पर आपको सर्कल और पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस बैटरी परसेंटेज आप इनेबल कर सकते हो और जो नेटवर्क स्पीड है वो भी आप इनेबल कर सकते हो, जो कि यहाँ पर नज़र आ जाती है। स्टेटस बार पर नहीं आ रही है, पर जो एक्सपेंडेड स्टेटस बार है वहाँ पर आपको स्पीड नज़र आ जाती है। वैसे हम चलते हैं आइकन मैनेजर के अंदर। तो जितने भी आइकन्स वगैरह वो आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। शुरू में अच्छे से काम कर रहा था, पर अभी पता नहीं कि वो आकर गायब हो रहा है। एक्चुअली में वोल्टी एक्टिवेटेड है सिम वन पर अभी ये नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है। अब मैं नहीं जानता इसका क्या रीज़न है। अब चलते हैं इस कस्टमाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है वॉलपेपर कलेक्शन, जो आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। क्लॉक स्टाइल आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सिर्फ तीन ही क्लॉक्स है, एक एनालॉग है, एक डिफॉल्ट यानी डिजिटल क्लॉक है, और एक मिनिमलिज्म आपको देखने के लिए मिल जाती है। और न्यू नोटिफिकेशन पर जो एम्बिएंट डिस्प्ले आता है तब भी आपको क्लॉक नज़र आ जाती है। एक्सेंट कलर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको कुछ इतने कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और इन स्लाइडर से भी आप सेट कर सकते हो। और यहाँ से टोन की बात कर ले तो वही पुरानी कलरफुल लाइट और डार्क टोन आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि वर्किंग है। शेप्स की बात कर लेते हैं तो राउंड, स्क्वायर, टेयर ड्रॉप, राउंडेड रेक्टेंगल आपको देखने के लिए मिल जाता है। आइकन पैक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉन्ट की बात कर ले गाइस तो वन प्लस रोबोटो और नोटो सन्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है वन प्लस रिंगटोन्स, और इस बार आप रिंगटोन को चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिस्टम साउंड आपको वर्किंग मिल जाते हैं, यानी कि जो टच साउंड वगैरह है, और यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट साउंड वगैरह है सब आपको वर्किंग मिलता है। और ये जो लॉक स्क्रीन का साउंड है गाइस, ये भी आपको वर्किंग मिल जाता है और मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। गाइस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फोन रिंगटोन एंड वाइब्रेशन की। तो यहाँ से आप रिंगटोन वगैरह चेंज कर सकते हो, और जो वाइब्रेट फॉर कॉल्स का ऑप्शन है वो भी आप इनेबल कर सकते हो, और पैटर्न और इंटेंसिटी भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो वाइब्रेट की। बटन एंड जेस्चर में चलते तो गाइस यहाँ पर आपको अलर्ट स्लाइडर देखने के लिए मिल जाता है, पर क्योंकि हमारे में कोई फिजिकल अलर्ट स्लाइडर की नहीं है, तो इसके लिए गाइस यहाँ पर आपको इंडियन नेट एम्यूलेटर दिया गया है वन प्लस का, जो अलर्ट स्लाइडर है उसको एम्यूलेट करने के लिए। इसके लिए रूट एक्सेस चाहिए। बाकी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइब्रेट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, और बाकी रिंग पर भी आ जाता है। जो वन प्लस का नेविगेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेफ्ट राइट वाले जो नेविगेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, बाकी थ्री बटन नेविगेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्विक जेस्चर्स की बात कर ले गाइस, तो यहाँ पर जो डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप आपको वर्किंग मिलता है। तो डबल टैप टू स्लीप स्टेटस बार पर तो नहीं, पर लॉन्चर पर काम कर जाता है, और डबल टैप टू वेक भी आपका जो है यहाँ पर वर्किंग आपको मिल जाता है। ये जो ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स है ये भी आपको वर्किंग मिल जाता है। अगर मैं वी ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट ऑन हो गई है, दोबारा से वी ड्रॉ करता हूँ तो बंद भी हो जाती है। तो आपकी जो ऑफ स्क्रीन जेस्चर थे वो भी आपको वर्किंग मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात कर लेगा इस, तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और नॉर्मल स्क्रीन पैटर्न वगैरह का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। फिंगरप्रिंट की स्पीड में आपको दिखा देता हूँ, तो अनलॉक हो गया गाइस, फिर से ट्राई करते हैं, और फिर अनलॉक हो गया है, और फिर तो फिंगरप्रिंट इसका काफ़ी फास्ट है और अच्छे से काम कर रहा है। फेस अनलॉक की अगर हम बात कर लेगा यहाँ पर तो सारी फिंगर्स आगे हैं, और फेस अनलॉक भी गाइस एक सेकंड के अंदर अनलॉक कर दे रहा है। तो फेस अनलॉक भी इसका काफ़ी फास्ट है, और इसका जो ये अनलॉक साउंड है गाइस वो काफ़ी मैस्मराइजिंग सा लगता है। गाइस यहाँ पर आपको डिजिटल वेलबिंग भी देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम यूटिलिटीज़ में चलते हैं तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस देखने के लिए मिलता है, तो आप वर्क मोड या फिर लाइफ मोड दो पर सेट कर सकते हो। पैरेलल ऐप्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्किंग है, सिर्फ सिलेक्टेड एप्लीकेशंस है, सोशल नेटवर्किंग मेनली, और एक पेटीएम भी अवेलेबल है। और गाइस ऐप लॉकर यहाँ पर आपको वर्किंग मिल जाता है, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ आपको वर्किंग मिल जाता है। सिस्टम में जाते गाइस तो यहाँ पर आपको ओटीजी का टॉगल देखने के लिए मिल जाता है, और एक रैम बूस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। वॉल्यूम पैनल की बात करें तो गाइस यहाँ पर इसका वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके का नजर आता है। यहाँ पर आपको मीडिया आउटपुट का एक शॉर्टकट देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर अगर हम एक्सपेंड करते हैं इसको तो तीन और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और गाइस अगर हम पावर मेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको एडवांस रिबूट का ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है, अगर आप इसको डेवलपर ऑप्शन में जाकर इनेबल कर लो, फिलहाल मैंने नहीं कर रखा है। गाइस बात करते हैं हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की, यूआई की, एक्सपीरियंस की, बैटरी की और गेमिंग वगैरह की। तो यार इसका जो एक्सपीरियंस है वो मुझे इस बार कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। इसका जो यूआई वगैरह है वो अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर ट्रांजिशन वगैरह जो है ढंग से काम कर रहे हैं, पर कभी
कभी कभी क्या होता था गाइस, अगर मैं फ़ोन लॉक कर देता था और फिर फिंगरप्रिंट पर क्लिक करता था तो क्या होता था कि डिस्प्ले ब्लैक हो जाता था, यानी कि डिस्प्ले ऑन होकर ब्लैक हो जाता था, फिर अनलॉक ही नहीं होता था। तो मैंने ये फेस किया था गाइस कल के दिन, आज तो खैर ठीक चल रहा है, पर कल ये मैं 2-3 बार फेस कर चुका सेम प्रॉब्लम। और ये वन प्लस की अभी तक मतलब जो पिछली 4-5 में GSI रोम्स इंस्टॉल कर चुका उसमें मुझे देखने के लिए नहीं मिली, पर इस वाले में ये वाली प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिली। और गाइस फिर यहाँ पर जो है आपका UI रैंडमली कहीं पर भी हेयर एंड देयर लैग होने लग जाता था, पर अभी ये ठीक चल रहा है। और गाइस कल मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की इस वाली अपडेट के साथ, और फिर मैं कहूँगा कि इसके साथ जो एक्सपीरियंस रहा वो मेरा सबसे बेस्ट अब तक का जो ऑक्सीजन का वो नहीं था। लास्ट वाले जो बिल्ड हमने ट्राई किया था गाइस ओपन बीटा 19, वो काफ़ी बेहतरीन था, और इसका जो 10.3.4 वाला वर्जन था गाइस वन प्लस 6 वाले बिल्ड का, वो भी मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा था। पर अफसोस कि ये वाली अपडेट में मुझे सेम फीलिंग देखने के लिए नहीं मिली। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी की, तो बैटरी की अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पर बैटरी में भी कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ। गाइस 22% बैटरी यहाँ पर लेफ्ट है, एक्टिव ड्रेन 9.55% पर आर और आइडल ड्रेन 1.36% पर आर का है। स्क्रीन ऑन यूजेज की बात करें तो 6 hours 36 minutes है, और अभी इसमें मैंने गेमिंग वगैरह नहीं कर रखी है, तो यार बिना गेमिंग के तो इस पर मुझे लगभग 10-12 घंटे तक का मिल जाता था, मतलब जो हमने लास्ट वाले वन प्लस के बिल्ड ट्राई किए थे उस पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बैटरी एक्सपीरियंस हमें देखने के लिए मिला। पर इस वाली पे मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, सिर्फ 6 hours 44 minutes का स्क्रीन ऑन यूजेज है, 22% बैटरी लेफ्ट है। और यूजेज की बात करूँ तो मैंने कुछ खास यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मूवी वगैरह देखी है, और गेमिंग वगैरह आप देख सकते हैं कि कोई भी गेम लिस्ट में नहीं है। इंस्टाग्राम गाइस मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 hour 42 minutes यूज़ किया हुआ है। VLC प्लेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 hours 11 minutes यूज़ किया गया है। मैं 6-6 घंटे मूवी देख लेता हूँ गाइस, फिर भी बैटरी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। और बाकी यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र जो है 46 minutes, प्लस मैसेंजर जो है गाइस यहाँ पर 30 minutes, और बाकी नॉर्मल सी यूजेज है। हाँ, स्पॉटिफाई यहाँ पर रात में रनिंग था 2 hours 16 minutes के लिए। आपने मेरी प्रीवियस बिल्ड की वीडियो देखी होगी गाइस, 6-6, 8-8 घंटे मैं यूज़ करता हूँ, पर बैटरी बैकअप फिर भी कमाल का मिलता है, पर इस वाली पर सेम केस नहीं है। तो ना ही गाइस ये UI के मामले में या फिर एक्सपीरियंस के मामले में मुझे इंप्रेस कर पाई, ना ही बैटरी के मामले में इस वाली अपडेट ने इंप्रेस किया है। तो गाइस यहाँ पर हमारा PUBG लॉन्च हो रहा है, हम PUBG कोरियन यहाँ पर खेल रहे हैं, और आपको नया वाला गेम स्पेस अगर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट कॉर्नर से गाइस जहाँ से आप ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नया वाला UI इसका कुछ इस तरीके का नज़र आता है, और इसमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के जो है मिनी विंडो ओपन हो जाते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम यहाँ पर शो कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं गाइस कि इंस्टाग्राम का मिनी विंडो यहाँ पर ओपन हो चुका है, और सेम तरीके से आप यहाँ पर व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम है उसको भी ओपन कर सकते हो। और गाइस बाकी क्या क्या फीचर है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर आपका नजर आ रहा है गाइस CPU का, बैटरी परसेंटेज यहाँ पर नजर आ रहा है, टाइम आप देख सकते हो। गाइस यहाँ से आप फेनेटिक मोड ऑन कर सकते हो, नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हो, मिस टच प्रिवेंशन का नया ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, और स्क्रीन रिकॉर्डर का शॉर्टकट आपको देखने के लिए मिल जाता है। गाइस आप लेफ्ट साइड पे भी स्वाइप इन कर सकते हो, उसके बाद आपका सेम ओपन हो जाता है। और यहाँ पर गाइस आपको बता दूँ कि अगर आप स्टेटस बार यानी नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस करना चाहते हो तो एक बार यहाँ से आप टॉप से स्वाइप डाउन करोगे, फिर एक और बार करोगे तो आपको एक एरो देखने के लिए मिलेगा, फिर आप एरो पर क्लिक करते ही जो नोटिफिकेशन पैनल है गाइस वो यहाँ पर आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो ये वाला फीचर भी काफ़ी बेहतरीन लगता है। अब गाइस आपको ग्राफिक यहाँ पर मैं चेक करा देता हूँ कि हम क्या खेल रहे हैं यहाँ पर। तो ग्राफिक जो है गाइस फिलहाल हम स्मूथ और अल्ट्रा पर खेल रहे हैं, स्मूथ ग्राफिक अल्ट्रा फ्रेम रेट। स्टाइल इफेक्ट क्लासिक है और एंटी अलियासिंग इनेबल्ड है। अब देखते हैं गाइस इसकी कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। ओ तो भाई यहाँ पर तो नॉक हो गया लगता है, दूसरा गेम लगाना ही पड़ेगा। गाइस यहाँ पर आपको टेयरिंग की आवाज आ रही होगी। तो इस वाले बिल्ड में हमारे पास कोई FPS मीटर तो नहीं है, पर फिर भी हम ट्राई करेंगे कि पता लगाने का कि कितने FPS में मिल रहे होंगे। मतलब क्लासिक मैच में काफ़ी लैग फ्रेम ड्रॉप वगैरह हो रहे थे, पर और यहाँ पर स्पैम का कॉल आ रहा है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कॉलर ID वगैरह भी देखने के लिए मिल जाती है इनबिल्ट, तो अगर कोई स्पैम कॉल आता है तो आपको उस पर स्पैम लिखा हुआ दिख जाता है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं आप एकदम से ड्रॉप वगैरह आया क्योंकि कॉल आया था, नेटवर्क हमारे जा चुके होंगे। वोल्टी मेरा इनेबल्ड नहीं है ये वाली सिम कार्ड पर, इसलिए यहाँ पर नेटवर्क चले गए थे, आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत ड्रॉप ज़रूर नज़र आ रहा है अल्ट्रा के हिसाब से, और अगर आपको 60 FPS की आदत होगी गाइस तो ऑफकोर्स आपको 40 काफ़ी कम लगेगा। तो यार अभी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक लग रही है मेरे को, पर मेरे ख्याल से क्लासिक में इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी जब मैंने ट्राई किया था। और ठीक है अभी ड्रॉप वगैरह यहाँ पर बढ़ने लग गए हैं, बैटरी हमारी लेस देन 20 हो रही है गाइस, और फिर जैसे ही बैटरी ड्रॉप डाउन होती है तो ये बॉट वॉट यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मैं बोल रहा था कि जैसे ही बैटरी ड्रॉप होती है आपको लैग्स यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आएंगे।
गाइज यहाँ पर हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस और ड्रॉप करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर भी इनेबल कर लेते हैं। तो चलो यहाँ से हम लॉन्च करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। आपको इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है विद 60 FPS और 24 Mbps का बिट रेट। तो अब हम ट्राई करते हैं गेम खेल कर कि कोई ड्रॉप वगैरह बढ़ते हैं नहीं बढ़ते। स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो चुकी है गाइज। जब तक हमारी मैड यहाँ पर लग रही है हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो यार टेम्परेचर यहाँ पर 42 पहुँच चुका है। आपने देखा था जब हमने शुरू किया था तब कितना था? गाइस अभी यहाँ पर ड्रॉप्स लैग्स बढ़ने लगे जैसे हम क्लूज आ रहे हैं गेम खत्म होने पे। और मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस जो है एवरेज थी या फिर आप कह लो थोड़ी सी बिलो एवरेज थी क्योंकि ड्रॉप्स यहाँ पर काफ़ी बढ़ रहे थे। टेम्परेचर मेरे को काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, 43 पहुँच चुका है टेम्परेचर। और गाइस जो इस रूम का ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मैं कहूँगा कि पिछली वन प्लस बिल्ड से काफ़ी ज़्यादा नीचे रहा है और मुझे ऑनेस्टली ये वाली अपडेट पसंद नहीं आई है। तो अब आप अपने हिसाब से इसको इंस्टॉल करके आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड परफॉर्मेंस मुझे मिली है, पर गाइस होप करते हैं कि जो अगली अपडेट्स आने वाली है उनमें इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलेगा। और गाइस यही था इस वाली रूम का रिव्यू। अब गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। तो यार तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।